हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज फिर से एक बार पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, कल मैच है 2 अक्टूबर है और ये लास्ट T20 है पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच, और कल इंडिया का भी है ना साउथ अफ्रीका के साथ T20 सेकेंड मैच है, उसके बाद थर्ड मैच 4 अक्टूबर को है और उसके बाद ODI सीरीज होगा इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच, उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को 6 तारीख 9 तारीख 11 तारीख का बना कर दूंगा। उसके बाद वार्म अप मैच है, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा जिसका प्रेडिक्शन मैं आप लोगों को या तो महाअष्टमी के दिन दूंगा या तो मैं आप लोगों को विजयादशमी के दिन दूंगा, क्योंकि उसका कैलकुलेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। और मैंने आप लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त वीडियो अपलोड किया है ना, लकी डेट एंड डे फॉर न्यू बॉर्न बेबी, लेकिन वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए वहां पे, अपना उसको जोड़ के देखिए क्या आपका साइकिल नंबर डेस्टिनी नंबर वो है, क्या आपका नेम उस लकी नंबर के हिसाब से जो मैंने वहां दिया है या न्यूट्रल नंबर के हिसाब से, क्या वो नेम अल्फाबेट पे आपका नाम है। नहीं है तो आज ही न्यूमोलॉजी कराने की जरूरत है, क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा है। KFC की ऑनर को 68 साल में जाके वो भाग्यवादी बने, मतलब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी $200 से, अब 20 साल में 20,000 करोड़ रुपए के मालिक बने थे। इसलिए कभी भी एज सीमा कभी मायने नहीं रखती, किसी भी उम्र सीमा में हो, अगर आपको जज्बा है ना अंदर से है कि कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, आगे बढ़ना है जीवन में, तो आप किसी भी उम्र सीमा में हो, 1 महीना से लेके 100 साल तक, आज भी आप अपना नेम चेंज कराओ, पूरे घर का नेम चेंज कराओ, मियां बीवी बच्चे समेत, अकेले हो तो अपना अकेले का कराओ और फिर देखो नेम चेंज करने के बाद। और आचार्य जी से कुंडली बनवाना नहीं भूलना, क्योंकि उनका कुंडली बनवाना इसलिए जरूरी कि कौन सा ग्रह कारक है, मारक है, उच्च का है, नीच का ग्रहण है, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बता सकता है, न्यूमोलॉजी नहीं बता सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है, न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। वो कुंडली बना देंगे, एक बार बता देंगे आपको, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उपाय करो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की तरह है कि एडवांस में जान लो कि फ्यूचर में क्या बाधाएं हैं, उसका उपाय कर लो, वो बाधा आएगा ही नहीं। बुरे वक्त आने का इंतजार नहीं करोगे, बुरे वक्त में कराएंगे, बुरे वक्त में कुछ भी नहीं फलता फूलता है ना, एक एक दिन एक एक महीने का सामान लगेगा, इसलिए उनसे एस्ट्रोलॉजी करा लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उनका सारा डिटेल, मेरा डिटेल दिया हुआ है, आज ही अपना न्यूमोलॉजी कराओ पूरे परिवार का, फिर देखो आपका पूरा परिवार का वाइब्रेशन नेम का कितना बढ़िया होता है और आप लोग अपने जीवन में कितना सफल होते हो, वो वीडियो जरूर देखना आप लोग, भूलना नहीं। चलो बताते हैं, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अब जब नया वीडियो लूंगा या नया टॉपिक लूंगा तभी 6 रूल्स ऑफ अकल्ट साइंस बताऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा 6-7 मिनट चला जाता है, मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो 10 मिनट से कम का हो, सो दैट कि आप लोग को देखने में आसानी हो और आप लोग पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आप लोग सब 2 मिनट पहले का देखते हो, 2 मिनट लास्ट का देखते हो, सब बढ़ा देते हो, मुझे पता ही बाबा, क्योंकि यूट्यूब स्टैटिक्स देता है ना, इट्स ओके। कल का मैच, जैसा कि पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच कल मैच हुआ था, मैंने आपको बताया था कि न्यूमोलॉजी ग्रिड में बिल्कुल कुछ क्लियर कट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मैं बताने में एकदम असमर्थ हूँ कि 50% में जीतेगा कि नहीं जीतेगा, क्योंकि जो 50% में मैं अगर बताने में असमर्थ हूँ इसका मतलब है कि मैं उस चीज़ का क्रेडिट नहीं ले सकता। और आज तक मेरा, जब बता चुका हूँ मैं पहले वीडियो वाले वीडियो में बता चुका हूँ, 27 प्रेडिक्शन 27 प्रेडिक्शन मेरा सही हो चुका है, उसमें 19 प्रेडिक्शन ऑनलाइन और 8 प्रेडिक्शन ऑफलाइन सही हो चुका है। अब देखते हैं कल का 2 अक्टूबर को मैच है, बहुत गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है, जनरल नॉलेज के हिसाब से कल का दिन जो है 2 अक्टूबर पूरे वर्ल्ड में है ना इंटरनेशनल पीस शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, गांधी जयंती को है ना, गांधी जी का बर्थडे को, ये बात जनरल नॉलेज के रूप में हम लोग याद जानते हैं। और कल का दिन भी बहुत फेवरेबल है, देखते हैं अब ये फेवरेबल दिन कल इंडिया और साउथ अफ्रीका के लिए भी मैच, कल बताया मैंने कि कौन जीतेगा उसमें, वो भी वीडियो जरूर देखना। और ये कल पाकिस्तान इंग्लैंड का देखते हैं, ये लास्ट T20 इनका। चलिए मैच ईयर का कांस्टेंट लेके चलते हैं, 7-6 एक्सेलेंट, 6-7 एक्सेलेंट, 6-2 न्यूट्रल, 6-1 कट, 6-9 एक्सेलेंट, 6-1 कट। जैसा कि हम लोगों को पता है 6 और 1 दुश्मन नंबर होता है, 1 सूर्यदेव का नंबर बहुत डिसिप्लिन नंबर होता है, 6 वीनस का नंबर है ना भोग विलास का नंबर, लग्जरी लाइफ स्टाइल कंफर्ट नंबर होता है, और शुक्राचार्य देवताओं के गुरु शुक्राचार्य का भी नंबर होता है। और ये देवताओं के सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं, सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं करता है, तो मतलब सूर्यदेव सारे ग्रह में बॉस हुए, वेरी सिंपल है ना, तो बॉस का सब ना परिक्रमा करेगा कि वो सबका परिक्रमा नहीं करेगा ना, वेरी सिंपल, इसलिए इसको याद रखना है। तो एक्सेलेंट कितना होगा, एक्सेलेंट 1-2-3, इंडिया के 3 एक्सेलेंट है, पाकिस्तान के पास भी है। न्यूट्रल देखते हैं कितना है, भी 1 न्यूट्रल है, अब कट लग गया है 2, देखते हैं इंग्लैंड का 8 नंबर, चूंकि दोनों ही बहुत टफ नंबर जैसा कि हम जानते हैं, और 2 नंबर चूंकि 2 पे पड़ गया है तो 7-2 दुश्मन नंबर ऑलरेडी है,
वैसे, लेकिन इससे हम कर रहे हैं इससे, और आठ और दो दुश्मन तो नहीं कहेंगे, न्यूट्रल नंबर है। तो छः का फिर से इनका भी कांस्टेंट लेकर चलते हैं, छः आठ एक्सेलेंट, छः सात एक्सेलेंट, क्योंकि सब डेथ कैटेगरी में नंबर आते, डेविल्स कैटेगरी में का नंबर है ना। छः दो न्यूट्रल, छः एक कट, छः एक एक्सेलेंट, छः एक कट, मुझे लगता है ऑलमोस्ट एक दो तीन इनका भी एक्सेलेंट हो गया, तीन न्यूट्रल इनका भी एक हो गया, और कट इनके पास भी दो हो गया। मतलब इस चार्ट के बेस पर जाएंगे तो पाकिस्तान इंग्लैंड का कल फिर से मैच ड्रॉ होने की संभावना होनी चाहिए, लेकिन टी ट्वेंटी मैच कभी ड्रॉ नहीं होता, जैसा कि हम लोग जानते हैं। लास्ट ओवर में, लास्ट चौथा पांचवा छठा बॉल में जाके छक्का चौका मार के दो रन बना के लोग जीतते ही जीतते, चाहे एक विकेट से जीते, एक रन से जीते, चाहे आठ विकेट से जीते, चाहे दस विकेट से जीते, वो फैसला हो ही जाता है किसी ना किसी रूप में। ओडीआई में चांसेस है ड्रॉ होने का, क्योंकि वो 50 ओवर्स का होता है, और 50 ओवर्स बहुत बड़ा होता है, चार घंटे का वो मैच होता है। टी ट्वेंटी मैक्सिमम दो घंटे का हो सकता है, 20 ओवर दो घंटे में फेंका जाता है। कल का मैच आप लोग पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच देख चुके हैं, कितना जल्दी मैच खत्म हो गया। परसों इंडिया का भी मैच हमने देखा था, कितना जल्दी खत्म हो गया था। तो ये सब चीज़ टी ट्वेंटी में डिसाइड एकदम होना ही होना कि कौन जीतेगा। फिर से जो खेला होता है, एक्चुअल जो कैलकुलेशन होता है वो लूसो ग्रिड और न्यूमोलॉजी ग्रिड पे होता है। तो लूसो ग्रिड तो खैर सब न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, मैं उससे एक स्टेप आगे जाके न्यूमोलॉजी ग्रिड बनाता हूँ, जो मैच डे और मैच डे के ऊपर होता है ना। तो अनफॉर्चुनेटली फिर से कल का फिर से न्यूमोलॉजी ग्रिड में कुछ नंबर मिसिंग है दोनों ही कंट्री के लिए, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। इसका मतलब मैं फिर से कल नहीं कह पाऊंगा, स्पेशली फॉर पाकिस्तान इंग्लैंड के लिए, कि कल कौन मैच जीतेगा, क्योंकि दोनों ही हाफ में ऐसा दिखा रहा है कि दोनों ही मैच करेगा तो पहला फर्स्ट 10 से 12 ओवर रन कम बनेगा, स्लो बनेगा, और फिर फास्ट बनेगा बाद में, विकेट धड़ाधड़ गिरता चलेगा। कल फिर से बॉलर का डे है, कोई एक बैट्समैन या दो बैट्समैन हो सकता है हाफ सेंचुरी मारे, है ना, ये भी हो सकता है, इतना रन कम बनने के बावजूद भी उसमें होता हाफ सेंचुरी मारे। कल रन कम नहीं बना था, ऑलमोस्ट एक 169 रन पाकिस्तान ने बनाया था, है ना, मतलब 150 से लेके 175 तक रन बनने का संभावना है ना। लेकिन जीतेगा कैसे कौन, बड़ा कहना मुश्किल है, वो आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि मुझे न्यूमोलॉजी ग्रुप में तीनों नंबर फिर से मिस हो गया, इनका भी फिर से दोनों का कल, इतना अच्छा नंबर डेट होने के बावजूद भी, और तीनों नंबर अगर न्यूमोलॉजी ग्रिड में मिस हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों के जीतने की संभावना 50-50 हो जाती है, चाहे फर्स्ट हाफ में बैटिंग करे, सेकंड हाफ में बैटिंग करे, फिर वहां पे कहना बहुत मुश्किल होता है कि कौन कंट्री एग्जैक्टली जीतेगा। तो कल की स्थिति भी फिर वैसी है पाकिस्तान के लिए भी, इंग्लैंड के लिए, कौन चाहे फर्स्ट हाफ में बैटिंग करे पाकिस्तान या सेकंड हाफ में बैटिंग करे, तो जीतने की संभावना 50% है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं पाकिस्तान इंडिया के लिए हारने वाला वर्ड यूज नहीं करता हूं कभी, क्योंकि दोनों ही टीम मुझे बहुत पसंद है। जब हम पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलते तो हम पाकिस्तान के लिए चीयर्स करते हैं, पूरा परिवार चीयर्स करता है ना, और हमारा पूरा देश चीयर्स करता है फिर, है ना। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है जिस दिन, बस उसी दिन खाली हम इंडिया के लिए चीयर्स करते हैं, अदरवाइज ऑलवेज जब भी मैच नहीं होता पाकिस्तान का इंडिया के साथ, ऑलवेज हम पाकिस्तान के लिए चीयर्स करते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स हमारे बहुत फेवरेट रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा इनके लिए जीतने वाला वर्ड यूज करता हूं। और कुछ ऊंच नीच होता है, क्योंकि कल का फिर से न्यूमोलॉजी ग्रिड मिस हो गया इनके लिए, इनसे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि 50-50 किसी भी हाफ में बैटिंग करे पाकिस्तान या इंग्लैंड, दोनों का चांसेस है जीतने का 50-50। ये बड़ा दुविधा वाला मैच होता है, फिर से ऐसा लग रहा है एकदम क्लियर कट कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये एकदम न्यूट्रल हो गया है, और न्यूमोलॉजी ग्रिड में लूसो ग्रिड तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन जो न्यूमोलॉजी ग्रिड में रहा है उसमें फिर से नंबर मिसिंग होने की वजह से दोनों का जीतने का चांस 50-50 है, चाहे किसी भी हाफ में बैटिंग करे। अब देखना है कौन जीतता है और ये सीरीज कौन जीतता है, क्योंकि बढ़त जो है बना हुआ है दोनों तरफ से, देखते हैं। अभी तो ऑलमोस्ट इक्वल के पास पहुंच गया, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और फीडबैक देना नहीं भूलना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में T20 का सारा बैक टू बैक मैच, 45 मैच, 45 मैच होगा ऑलमोस्ट, उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप का सारा, अगर फुटबॉल पसंद है सबका प्रेडिक्शन मिलेगा इस बार, है ना, उसको ध्यान से देखना। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बीगिंग।